हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विनय और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड टेक्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको GTA लिबर्टी सिटी स्टोरी गेम लेके आया हूं, जो कि एंड्रॉइड फोन के लिए है। दोस्तों आज की वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया थी कि आप GTA लिबर्टी सिटी स्टोरी गेम लेके आइए, जो कि एंड्रॉइड फोन के लिए हो, वो भी हाईली कंप्रेस में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस गेम को हाईली कंप्रेस में दे रहा हूँ। दोस्तों गेम का साइज, डाटा फाइल का साइज 390 MB के करीब है और APK 10 MB के करीब है। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हैं, एक डाटा फाइल का लिंक होगा और दूसरा APK का, तो आपने वहां पे जाकर उन्हें डाउनलोड करना है। दोस्तों मैंने लिंक डायरेक्ट लिंक दिए हैं, आप एक ही क्लिक पे वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको फिर से फुल स्टेप बताने वाला हूँ कि आपने कैसे इस गेम को एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे प्ले करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, तो आपने पूरा वीडियो वॉच करना है तभी आपको पता चल पाएगा, नहीं तो आप मुझे बाद में कमेंट करने लगो कि भाई ये गेम वर्क नहीं कर रहा है, ये प्ले नहीं कर रहा है, तो आप मुझे बाद में बोलोगे। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो वॉच करके ही जाना है। तो दोस्तों उससे पहले आप छोटा सा गेम प्ले देख लीजिए GTA लिबर्टी सिटी का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने GTA लिबर्टी सिटी गेम को कैसे प्ले करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों GTA लिबर्टी सिटी गेम खेलने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना होगा, वहाँ पे आपको डाटा फाइल और APK फाइल का लिंक मिल जाता है। दोस्तों डाटा फाइल का साइज 390 MB करीब होगा, जो APK होगा उसका साइज 11 MB करीब होगा, तो आपने वहाँ पे दोनों को डाउनलोड करना है। दोस्तों उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है जेट आर्चीवर। दोस्तों इसी एप्लीकेशन की मदद से ही हम गेम की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो आपने इसे जरूर वहाँ से डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे एंड्रॉइड फोन की स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही जेट आर्चीवर एप्लीकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस गेम को यहाँ से अनइंस्टॉल करके बताता हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा था, आपको मैं पूरा स्टेप बताने वाला हूँ, इसे अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा पूरा स्टेप, तो आपने पूरा स्टेप फॉलो करना है, नहीं तो आप मुझे बाद में कमेंट करोगे कि भाई गेम वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर एंड्रॉइड फोन में कई गेमें सपोर्ट नहीं करती है, इस वजह से भी गेम वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों अब आपने करना क्या है, आपने डाटा फाइल और APK को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने जेट आर्चीवर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपने उस फोल्डर पे चले जाना है जहाँ पे आपने गेम डाउनलोड किया होगा। अगर आपने UC ब्राउजर से गेम डाउनलोड किया है तो आप UC डाउनलोड पे वाले फोल्डर पे जाइए, अगर आपने डाउनलोड पे किया है तो आप डाउनलोड्स के फोल्डर पे चले जाइए। यहाँ पे तो मैंने विनय का फोल्डर बनाया है, इसी फोल्डर के अंदर मैंने गेम की फाइल को रखा है। तो देखिए दोस्तों जैसे ही आप उन फोल्डर के अंदर आते हो, आपको एक डाटा फाइल और APK मिलेगा। दोस्तों ओनली दोनों फाइल मिल जाएगी आपको। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने APK पे क्लिक करना है, इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी APK इंस्टॉल हो जाता है आप इसे ओपन मत कीजिएगा, आप डन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप इसे ओपन करते हैं तो आपकी गेम नहीं चलेगी। तो आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ओपन एक डन, आप डन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप डन पे क्लिक करते हो अब आपको डाटा फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो आपने डाटा फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो अब आपने यहाँ पे कीप द स्क्रीन टर्न ऑन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, ये आपके फ़ोन की स्पीड के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना जल्दी ये एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि गेम का साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, 1.3 GB के आसपास गेम का साइज़ है, तो आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज भी होनी चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गेम एक्सट्रैक्ट हो रहा है। दोस्तों जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है आपके सामने
com.rockstar.gtlibertycity का एक फोल्डर बन के आ जाएगा, वही गेम का फोल्डर होगा। हमें उस फोल्डर को कॉपी करके एंड्रॉयड के फोल्डर में पेस्ट करना होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको पूरा स्टेप फिर बताने वाला हूँ, तो आपने पूरा स्टेप फॉलो करना है। अभी तो हम इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी समय लग जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे 10 मिनट लग जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने देना है 100% तक। दोस्तों यहाँ से आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। तो आपने बिल्कुल सही से 100% तक एक्सट्रैक्ट होने देना है, आपने कैंसिल नहीं करना है, नहीं तो गेम की फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं होगी और गेम भी नहीं चलेगी। तो यहाँ से आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गेम एक्सट्रैक्ट होने वाला है। काफ़ी समय यहाँ पे गेम की फाइल को एक्सट्रैक्ट होने में लग गया था। दोस्तों आप टाइम देख सकते हो मैंने कब इसे शुरू किया था। तो दोस्तों आपने भी यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, आपने अपना फ़ोन साइड में रख देना है जब तक गेम की फाइल बिल्कुल सही से एक्सट्रैक्ट ना हो जाती। दोस्तों ये गेम का साइज बहुत ही ज़्यादा है, 1.3 GB के आसपास गेम का साइज हो जाता है। दोस्तों जैसे ये कंप्लीट होता है आपके सामने एक फोल्डर बन के आ जाएगा com.rockstar.gtlibertycity। तो देखिए यहाँ पे 99 हो चुका है, ये 100 हो चुका है। दोस्तों जैसे ये कंप्लीट हो जाता है आपके सामने com.rockstar.gtlibertycity का एक फोल्डर मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हो आप देख सकते हैं गेम का साइज कितना ज़्यादा है। दोस्तों अब आपने करना क्या है, आप पूरा स्टेप फॉलो कीजिए। यहीं पे लोग गलती करते हैं, फिर वो बाद में कहते हैं कि ये फेक वीडियो है, ये वर्क नहीं करता है। दोस्तों इसी स्टेप में आप भूल जाते हो। दोस्तों अब आपने करना क्या है, जो ये फोल्डर मिलेगा आपको, आपने इस फोल्डर को यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद आप ऊपर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप अपनी डिवाइस मेमोरी पे जाइए। दोस्तों अगर आपके डिवाइस मेमोरी पे ये वर्क करता है, आपने अपनी डिवाइस मेमोरी पे जाना है, वहाँ पे आपको एंड्रॉयड का फोल्डर मिलेगा। आपने अपने एंड्रॉयड के फोल्डर पे जाना है, वहाँ पे आपको एक OBB का फोल्डर मिलेगा। आपने उस OBB के फोल्डर पे जाना है, वहाँ पे इसे पेस्ट करना है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपके इंटरनल मेमोरी पे ये वर्क नहीं करता है तो आप एक्सटर्नल SD कार्ड पे अपने एंड्रॉयड के फोल्डर पे जाना है, वहाँ पे आपको OBB का फोल्डर मिलेगा। तो आपने उस OBB के फोल्डर पे इसे पेस्ट करना है। दोस्तों ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन पे इंटरनल मेमोरी पे ये वर्क करता है। दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपने इंटरनल मेमोरी पे जाने के बाद एंड्रॉयड के फोल्डर पे जाना है, वहाँ पे आपको OBB का फोल्डर मिलेगा। अगर आपके इंटरनल मेमोरी के अंदर OBB का फोल्डर नहीं होगा तो आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आपने नाम OBB रख देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फोल्डर आ चुका है जो हमने अभी पेस्ट किया था। दोस्तों बस इतना सा ही स्टेप था, अब आपको मैं गेम प्ले बता देता हूं। दोस्तों गेम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको गेम में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों वैसे इस गेम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देख सकते दोस्तों यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करता हूँ मैं इसे। दोस्तों जैसे ये ओपन होगा यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेगा जब आप इसे फर्स्ट टाइम रन करते हो। दोस्तों आपने यहाँ पे घबराना नहीं कि आपके यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये गेम प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं यहाँ पे क्या आएगा। दोस्तों आपने यहाँ पे स्कीप दिस बटन पे क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे एक बटन है, देखिए मैंने यहाँ पे स्कीप दिस पे क्लिक किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से गेम प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, अब आप टैप टू कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों मैं बिल्कुल भी फेक वीडियो पोस्ट नहीं करता हूं, मैं अपने सब्सक्राइबर को बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं उनके लिए वर्किंग ट्रिक्स ही पोस्ट करता हूं। तो अब यहां पर स्टार्ट न्यू गेम पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ही मैंने पूरा स्टेप फॉलो किया है, आप देख सकते हैं किस तरह का स्टेप है। तो आपने एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट पर जाइए, मुझे कहिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूँगा। तो देखिए यहाँ पर लोडिंग हो रहा है गेम का, आपको मैं साउंड भी करके बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से आप इस गेम को प्ले कर सकते हो हाईली कंप्रेस में। तो यहां से मैं स्किप कर लेता हूं स्टोरी को। तो देखिए यहां पे मैं स्टोरी को स्किप कर लेता हूं। दोस्तों अब आपको मैं साउंड बता देता हूं, देखिए इसमें साउंड भी वर्किंग है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप इस गेम को खेल सकते हो अपने एंड्रॉयड फोन पे। तो आप छोटा सा गेम प्ले देख लीजिए।
दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी कि आप कंट्रोल किस तरह से रखना चाहते हो, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बीच वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों गेम प्ले आप देख रहे हैं, बिल्कुल रियल गेम प्ले है, आप देख सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों मैं बिल्कुल भी फेक वीडियो पोस्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर को 100% वर्किंग वीडियो ही पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग गेम की वीडियो हर रोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी गेम की वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।